बॉलीवुड एक बार फिर गुस्से से उबल रहा है। सेलिब्रिटीज़ आहत और अफसोस ज़्यादा होकर ट्वीट कर रहे हैं। वजह है देश के विभिन्न हिस्सों में मासूमों पर हो रहे जुल्मों सितम, बच्चियों और महिलाओं के साथ हुई दुष्कर्म की घटनाओं पर सेलिब्रिटीज़ ने रोष जताते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। जम्मू के कठुआ इलाके में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 18 साल की लड़की द्वारा विधायक पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों ने जहां सियासत में भूचाल ला दिया है, वहीं बॉलीवुड में इसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। अजय और अक्षय कुमार ने ट्वीट करके लिखा, एक समाज के नाम पर एक बार फिर हम असफल हुए। मर्डर केस को रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण जैसे जैसे बाहर आ रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहे। उसका मासूम चेहरा छोड़ने बार बार याद आ रहा है। न्याय होना चाहिए, वितरित और कड़ा न्याय होना चाहिए। कटवा और उनवा केसों का जिक्र करते हुए रितेश देशमुख भी लिखते हैं, एक 8 साल की बच्ची को नशे की दवा देकर बेहोश किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है और फिर मार दिया जाता है, और दूसरी खुद के लिए और पिता की कस्टडी में मौत पर न्याय के लिए लड़ रही है। हमारे पास विकल्प है, और हम आवाज़ उठाएं या मूक दर्शक बने रहें, जो सही है उसके लिए आवाज़ उठाएं, भले ही अकेले हों। अभिषेक बच्चन ने भी बच्ची का फोटो शेयर करके अपना अफसोस और रोष जाहिर किया। करण जौहर ने अपने ट्वीट में लिखा, अमानवीय, झंझोर कर रख देने वाला, न्याय हर हाल में मिलना चाहिए। फरहान अख्तर ने भी बेहद मार्मिक ट्वीट के जरिए जज्बात बयान किए। फरहान अख्तर लिखते हैं, कल्पना कीजिए जब 8 साल की बच्ची को दवा देकर बेहोश किया जाता है, बंदी बनाया होगा और कई दिनों तक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, इस दौरान उस पर क्या बीती होगी। अगर आपका आतंक मासूम नहीं कर सकते तो आप इंसान ही नहीं हैं। वहीं अगर उनके लिए न्याय की मांग नहीं करते तो आप बेकार हैं। जावेद अख्तर ने दोनों मामलों को लेकर लोगों से न्याय की मांग करने के लिए आगे आने की अपील की है। रणदीप हुड्डा ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, समझ नहीं आता क्या कहा जाए, किससे कहा जाए, नहीं मालूम कि सोशल मीडिया में अपनी बात कह देने से कुछ हासिल होगा, पहले भी होता रहा है, फिर होगा, कैसे रुकेगा, कुछ मिसाल कायम करनी ही होगी। तो ये थे बॉलीवुड के उन सेलेब्स के ट्वीट जिन्होंने आसिफा मामले के अंदर अपने बयान दिए हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।